एक्चुअली ये गाड़ियां दिखानी नहीं थी, बट अंकित का कहना है कि जब इतना दिखाया है तो दो एसयूवी भी दिखाते हैं, सेवन सीटर भी दिखाते हैं, तो खैर दोनों ही ऑप्शन लाजवाब है। एक का रेट कमाल होने वाला और एक गाड़ी कमाल होने वाली। गाड़ी सामने दिख रही होगी, सबसे लेटेस्ट जनरेशन टाटा टियागो, जो आपने ना कभी शूट में देखी होगी। अगर आपको लेनी है तो आप शोरूम जाओ, 4 महीने वेट करो तब आपको मिल रही है। लेकिन चलिए हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए स्पेशल एडिशन। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आपने जनरल टियागो बहुत सारी देखी होगी, हर जगह शूट की होगी, लेकिन टाटा टियागो एनआरजी एडिशन है, जो एनआरजी बिल्कुल नहीं मिलती, लिमिटेड होती है। और आपको एक चीज याद होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइस बहुत ही इसका बम मिलने वाला है, क्योंकि इस जगह पे जो भी गाड़ी खड़ी होती है ना, ये वाला जहाँ पे ये ट्यूब ही लगी हुई है, हमेशा से इसकी प्राइस बढ़िया ही आती है भाई। कीमत आपसे लेंगे मात्र 3,75,000 रुपए, ऑफर्ड प्राइस है। यकीन मानिए कि ये छोड़ दी तो दोबारा नहीं मिलने वाली, यकीन मानिए। इस लेवल की, इस क्लास की गाड़ी 2.15 में कहीं नहीं मिलने वाली। और कुछ और बातें हैं जो हम अपने नए यूजर्स को बता दें, कि अगर आप रॉयल कार बाजार से कोई भी गाड़ी परचेस करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलती है 1 ईयर की फ्री वारंटी ऑन इंजन, गियर बॉक्स, बैटरी एंड द देख रहे हैं रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल या फिर रोमिंग बर्ड फेसबुक भी देख रहे हैं, तो आप लोगों का दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत बहुत आप लोगों का दिल से स्वागत करना चाहूँगा। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं कि आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो आप पीछे देख रहे हो मेरे फ्रेम में, ये है भाई इंडिया की सबसे सेफेस्ट हैचबैक कार, जो कि भाई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को रट चुके हैं कि भाई ये बात हो रही है टाटा टियागो की। आप देख रहे हैं कलर ऑप्शन आपको दो दो दिख रहा होगा, तो मतलब तो ऐसी ऐसी भाई बहुत सारी गाड़ियां आज की इस वीडियो में लेकर आएंगे, और वो सारी गाड़ियां हैं ये जो जल्दी आपको दूसरे डीलरशिप पे इकट्ठे नहीं दिखती है। और ये भाई इस डीलरशिप की खासियत है कि आपके लिए अरेंजमेंट जो होती है ना गाड़ियों की, एक छत के नीचे हर एक तरह की गाड़ी आपको मिलती है। अगर आप देखेंगे तो भाई एकदम से छोटी वाली एसयूवी, माफ़ कीजिए हैचबैक चाहिए आपके लिए, भाई यहाँ ऑप्शन मिल जाता है टाटा की टियागो की, जो कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा अभी मार्केट में इसकी रीसेल वैल्यू है। साथ ही साथ यहां पे हुंडई की आप i20 देख रहे हैं, जो कि भाई जो लास्ट शेप आई थी इलीट में वो आपको दिखेगी। बलेनो है, यहां पे अगर बात करें तो भाई शेरान में भी आपको ऑप्शन मिलता है। अच्छा इलीट आपने वहां देखा था अगर i20 का, तो ऐसा नहीं सोचिएगा वही होगा, बस आपको एक्टिव भी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां पे वैगनआर और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, और गाड़ी आप देख रहे हैं जितनी लगी हुई है सारी गाड़ियां फोर सेल आप लोगों के लिए ही है भाई। अब जब हमने कहा कि भाई एक छत के नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन, तो मतलब डीलरशिप साफ है भाई कि डीलरशिप है, बात हो रही है रॉयल कार बाजार की। तो रॉयल कार बाजार की वीडियो जिन जिन को इंतजार रहता है भाई फाइनली आ चुकी है, मुझे लगता है 20-25 दिन बाद आई है, लेकिन स्टॉक बहुत ही कमाल का आया है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको स्टॉक दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिनांस की इतनी अच्छी यहाँ पे सेवा हो गई है भाई कि 70,000-80,000-90,000 रुपये भी अगर आप देंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी फिनांस करा के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मिलवाते हैं आपको यहाँ के ओनर से और फिर एक एक करके जानते हैं उनसे सारी गाड़ी की डिटेल। तो भाई पूरी आपको कहते हैं मोटा मोटा हमने बता दिया है कि आज की वीडियो से आपने क्या एक्सपेक्टेशन रखना है, लेकिन सारी डिटेल अगर हमें चाहिए तो आपको पता है कि रॉयल कार बाजार के ओनर कौन है और जुड़ते कौन है हमारे साथ, तो वो है अल्तमस भैया। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यूजर्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को सलाम नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे रॉयल कार बाजार में, हमारे एग्जॉटिक व्हील्स के परिवार में। आज फिर से आ गए हैं, काफी दिन के बाद आए हैं, लेकिन बहुत ही धमाका स्टॉक लेकर के आए हैं, सारी लेटेस्ट गाड़ियां लेकर के आए हैं, ऐसी चॉइस लेकर के आए हैं जो आपको किसी दूसरी डीलरशिप पे नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो या तो शोरूम या तो फिर रॉयल कार बाजार। बिल्कुल, ये चीज है भाई कि आप अगर देखेंगे ना तो ऐसी स्टॉक है कि वाकई में अगर आपको चाहिए तो आपको अपने फुटवॉक को भाई लेकर आना होगा रॉयल कार बाजार डीलरशिप पे ही। तो स्टॉक भैया आज क्या मतलब हमने तो बताया, लेकिन फिर भी आज धमाका इस तरीके का होने वाला है, जैसे कि सामने दिख रही होगी सबसे लेटेस्ट जनरेशन टाटा टियागो, जो आपने ना कभी शूट में देखी होगी। अगर आपको लेनी
लिया है तो आप शोरूम जाओ, 4 महीने वेट करो, बिल्कुल तब आपको मिल रही है। लेकिन चलिए हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए स्पेशल एडिशन। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आपने जनरल टियागो बहुत सारी देखी होगी, हर जगह शूट की होगी, लेकिन टाटा टियागो एनर्जी एडिशन है, जो कि बिल्कुल नहीं मिलती, लिमिटेड होती है, 1,000 पे 50 बनती है। अच्छा 1,000 पीस टियागो पे ओनली 50 टियागो एनर्जी मिलती है। बहुत बढ़िया, तो भाई ये कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए, बाकी और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं क्योंकि गाड़ियां बहुत सारी दिखानी रहती हैं। भैया बहुत ही शानदार कलर में टाटा टियागो है, बहुत ही शानदार कलर में है, लिमिटेड एडिशन है, सबसे टॉप मॉडल एग्जेड प्लस, ठीक है। और यकीन मानिए कि आप अगर इच्छा रखते हैं एक नई गाड़ी के ऑनर बनने की, जो आपको 6 लाख रुपए के सेगमेंट में चाहिए, तो इससे बढ़िया आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। सबसे मतलब क्या बोला जाए, बिल्ड क्वालिटी के मामले में टाटा का कोई मुकाबला नहीं, इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार टाटा टियागो आज के टाइम में मानी जाती है। पूर्णिया से रजिस्टर्ड है, ईयर की बात की जाए तो नहीं है 2016, नहीं है 17, 2020 मॉडल, 2020 मॉडल। अच्छा फर्स्ट ओनरशिप में है, किलोमीटर चल चुके हैं 14,000 के आसपास। गाड़ी की वॉक अराउंड आप कर सकते हैं, डुअल टोन में आपको मिलने वाली है, कोई स्क्रैच नहीं, कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री नहीं, मतलब वेल मेंटेन्ड जिसको कहा जाता है वो वेल मेंटेन्ड। बाकी कंडीशन आपको अंकित बताएंगे। बिल्कुल भाई, तो चलिए अब हम लोग थोड़ी सी गाड़ी का जो है ना पूरा प्रोफाइल चेक करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं भाई, सच्ची बताऊं तो आते आते भैया को मैंने यही कहा कि भैया जो कलर है ना ये काफी अच्छा दिख रहा है, काफी यूनिक है, ये व्हाइट भी है भाई, ऑप्शन है, लेकिन आप देखिए ये ब्लू कलर को, तो जिन लोगों को चाहिए ना कि उनकी गाड़ी दूर से ही आइडेंटिफाई कर दी जाए कि भाई उस भाई साहब की गाड़ी आ रही है, तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर में आप लेकर जा सकते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है, 2020 का मॉडल है और गाड़ी ये ड्यूअल टोन में, जैसा कि आप देख रहे होंगे रूफ आपको ब्लैक देखने को मिलता है, एक्सेड है तो आपको यहाँ पे एलॉय व्हील भी मिल जाती है। फ्रंट प्रोफाइल की बात तो हर एक सेटअप आप देख सकते हैं, जो आपको फॉग लैंप हेडलाइट सेटअप चाहिए होता है वो मिल रहा है। इंटीरियर हम लोग देखते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं तो भाई ये गाड़ी मात्र और मात्र 14,000 किलोमीटर चली हुई है, दैट इज नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन कह सकते हैं। आप माइंड करेंगे कि ऊपर जो यहां पे आपको बॉडी कलर दिखता है वैसे ही आपको एलिमेंट यहां देखने को मिल जाता है एसी के चारों ओर, जैसा कि ये जो वेंट्स होते हैं बीच में आपको मिलते हैं भाई, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो इसका डिजाइन है काफी अच्छा और काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है जब भी कस्टमर इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं या फिर कुछ भी। तो अगर आपको सेफेस्ट हैचबैक कार चाहिए, आपको चाहिए कि बचत भी हो जाए, तो भैया सबसे पहले नॉट ओनली सेफेस्ट, बिल्कुल सेफेस्ट विद कूलेस्ट बिल्कुल कूलेस्ट तो है ही भाई, और कलर भी काफी कूल है भैया इसका। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, नए कितने की आती है, क्योंकि 14,000 चली हुई है तो मजा आएगा, 14,000 चली हुई है, सब टायर्स आपको नए वगैरह मिल रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी। अगर आप इसको न्यू लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले तो आपको वेटिंग लिस्ट में रहना होगा, 3 महीने 4 महीने की वेटिंग, ये कलर मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नए के लिए आपको ओवरऑल 8.5 से 9 लाख रुपए पे करने होते हैं। हम आपके लिए लेकर के आए हैं, क्या रेट में नहीं लेंगे आपसे, 7.5 लाख रुपए नहीं लेंगे, 7 लाख रुपए नहीं लेंगे, 6.5 लाख रुपए। अच्छा इसकी कीमत हम लोगों ने रखी है 5,85,000, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, आपको जहां सर्च करना है, जहां इंक्वायरी करना है कर लीजिए, अगर किसी के पास शायद अगर होगी भी 7 लाख से नीचे नहीं मांगेगा, 5,85,000 रुपए में दूंगा, ऑल ओवर बिहार में फिनांस की फैसिलिटी दूंगा, 1.5 लाख रुपए के डाउन पेमेंट में इतनी शानदार गाड़ी को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। बिल्कुल भाई, तो आप देख सकते हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा भाई इसको और भी ज्यादा अच्छे तौर पर आपको दिखाते चलता हूँ, क्योंकि भाई जो गाड़ी 8.5 लाख 9 लाख रुपए की आती है, अगर आप 14,000 मात्र चली हुई लेने के लिए तैयार है तो 5,85,000 में आपको मिल जाएगा। अच्छी डील है, उतने पैसे नहीं है, 1.5 लाख रुपए दीजिएगा अल्तमस भैया, लोन भी करा देंगे। तो भैया हमने अभी एग्जेड वेरिएंट दिखाया ब्लू कलर, हमने एग्जेड वेरिएंट दिखा दिया, टियागो सबसे लेटेस्ट शब्द दिखा दी, थोड़ा सा जिन भाइयों को कहना है कि नहीं हमें टियागो ही लेनी है, ब्लू कलर में नहीं लेनी है, व्हाइट कलर में लेनी है, उससे थोड़ी हट करके लेनी है, उससे थोड़ी कम में लेनी है, तो वो भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। 2019 मॉडल, बिहार के हाजीपुर रजिस्टर्ड टाटा टियागो एनआरजी एडिशन मिलती नहीं है, अंकित ने भी आज तक मेरे ख्याल से शूट नहीं किया है कहीं पे भी, बहुत मुश्किल से एक पीस रेयर हम लोग लेकर के आए, सारे फीचर्स मिल जाने आपको, एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, एबीएस, मतलब ए टू जेड फीचर्स मिलने वाले हैं। और जो आउटलुक आती है ना इसकी भी डबल टोन है, बहुत शानदार हो जाती है, किलोमीटर चल चुके हैं इसके 32,000 किलोमीटर, 20 थी ये 19 है, 32 चली है तो 32 चली है, 14 चली है तो 14 ही चली है। लेकिन अगर रेट की बात की जाएगी तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, और यकीन मानिए कि 19-20 के हिसाब से ये सब गाड़ियां आज के जनरेशन में बहुत ही परफेक्ट कार है, एक
सेमी फैमिली के लिए, एक सेमी फैमिली के लिए, एक स्मॉल फैमिली के लिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन भाई जो छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं आज के डेट में ना, काफ़ी ज़्यादा वो टाटा को प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि सेफ्टी कम फर्स्ट। तो आपके लिए ऑप्शन देखिए ब्लू कलर में भी है, जो कि भाई यंगस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप सामने से आके देखिएगा, इन पर्सन और भी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं भाई 2019 मॉडल है, 31,000 या 32,000 किलोमीटर चली हुई। एक चीज़ आपने माइंड किया होगा, 20 मॉडल थी 14,000, ये 19 मॉडल जैसा भैया ने बताया। तो किलोमीटर के लिए आपको निश्चिंत होकर आना है भाई, बाकी ये एनआरजी एडिशन है, जैसा कि आपको सामने से ये सब कुछ देख के पता चल रहा होगा। बाकी ये भी आपको ड्यूअल टोन में ही मिलता है, वाइट बॉडी कलर है और रूफ इसका आपको ब्लैक में देखने को मिल जाती है, बाकी ग्लॉस ब्लैक में यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर के साथ में देखने को मिलता है ORVM। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा भाई। तो टाटा की जो इंटीरियर है ना, बहुत ही चेंज हुई है भाई रिसेंट कुछ ईयर्स में, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी दिखती है, काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस भी अंदर देखने को मिल जाता है। तो जिनको चाहिए टाटा की टियागो, दो दो ऑप्शन है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि और भी इनके पाइपलाइन में गाड़ियां रहती हैं, तो आपको ऑप्शन और भी मिल जाएगा टाटा टियागो में। भैया 19 मॉडल है, एनआरजी एडिशन, 19 मॉडल एनआरजी एडिशन, और लिटरली पाइपलाइन में अगर आपको बजट नहीं है, आपको 3.5 के आसपास में भी टियागो चाहिए, तो वो भी हमारे पास 16-17 वेरिएंट अवेलेबल है। अभी फिलहाल हमारी प्रायोरिटी मेरी और अंकित की ये रही रही कि गाड़ जो है वो बहुत ही क्लासी, बहुत ही न्यू शेप और बहुत बची हुई गाड़ी खोज करके लानी है, क्योंकि कस्टमर अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत भरोसा करके हमारे ऊपर आते हैं। तो कुछ ऐसा देना है कि लेने के बाद वो दोबारा कहीं नहीं जाए, अगर एक साल के बाद भी आना है तो वो सिर्फ यहीं पे आए रॉयल कार बाजार में। तो आते हैं इस गाड़ी की डिटेल पे। नहीं देने हैं इसके लिए भी आपको 7 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए, न्यू के ऑप्शन के लिए 7.5 लाख रुपए के आसपास आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन आपको लेकर के आए हैं 20 मॉडल लेके आए थे आपको 585 में, 19 मॉडल लेके आए हैं 485 में, यानी कि 1 लाख रुपए के डिफरेंस में भी आप ले सकते हैं। सेम आपको रहेगा ओवरऑल 1 से 1.5 लाख रुपए के डाउन पेमेंट पे आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं प्राइस ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है भाई। दूसरी गाड़ी में ही हमने बता दिया कि हर एक बजट के लिए भाई आपको यहां पे विजिट करना है। आपका बजट 585 था तब भी आपको टाटा टियागो हमने दिखाया, 485 की भी दिखाई है, ऐसे ही और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि आप वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। खैर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं हुंडई की i20। हुंडई की i20 सबसे लास्ट चिप, भाइयों को ध्यान रखें, i20 इलिट, इलिट के बाद ये वाली एडिशन आती थी जो सबसे लास्ट एडिशन है, इसके बाद सबसे लेटेस्ट जनरेशन जो आ रही है वो एनलाइन आ रही है। तो वाइट कलर, वेल मेंटेन्ड, पटना रजिस्ट्रेशन, मेरे जानने वाले की गाड़ी, दोनों कीज अवेलेबल, इंश्योरेंस पॉल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग ओरिजिनल, पेंट नॉन स्क्रैच, नॉन स्क्रैच 23,000 किलोमीटर, फर्स्ट ओनर। अब हम क्या ही बताएं मेरे इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि मेरे जानने वाले की है तो मैं हर चीज़ जान रहा हूँ कि जिसके पास भी जाएगी उसको एक सिंगल पेनी इस गाड़ी में नहीं लगाने होंगे। मॉडल भी आपको 18 का मिलने वाला है, रेट भी जो बाकी डीलर 6.5-7.5 मांग रहे हैं नहीं लेंगे। एक्साइटिंग अमाउंट आपको बताएंगे i20 की, पहले वॉक अराउंड और रेट आपको लास्ट में हम लोग डिस्क्लोज कर देंगे। तो आप जो अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भाई अपनी i20 की इलीट है, और सबसे जो इस जनरेशन में जो सबसे लास्ट शेप आई थी ना, आप ग्रिल देख के पता लगा रहोगे, वो वाली शेप है भाई, 2018 का मॉडल है, 23,000 चली हुई कार है ये, और कह सकते हैं भाई डीलरशिप की आँख की देखी हुई कार है, मतलब शुरू से लेकर अभी तक में। तो आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है भाई, क्योंकि भैया ने आपको बता दिया है कि क्या हिस्ट्री इसकी रही है। बाकी अगर बात करें भाई इसका, मैं साइड प्रोफाइल भी आपको दिखाते चलता हूँ, तो ये इसका साइड प्रोफाइल है। और भाई जिस चीज़ का आप लोगों को इंतजार रहता है कि भैया इंटीरियर दिखा दीजिए, तो मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो देखने को मिल जाता है, लॉक अनलॉक बटन सारे ही आपको यहाँ पे जो चाहिए डोर पैनल पे देखने को मिलता है। बाकी एयरबैग मिलती है, म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको मिल जाती है कंपनी फिटेड, सीट वगैरह की भी कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। बीच में आपको हैंडरेस्ट, उसके आगे मिल जाती है ट्विन कप होल्डर। तो बाहर से अंदर तक गाड़ी को आपने पूरा वेरीफाई कर लिया है। अब आप सोचते होंगे कि भैया ने कहा है एक्साइटिंग प्राइस देंगे। जी एक्साइटिंग प्राइस देंगे, क्योंकि i20 हमारे पास भी, हमने भी अपनी वीडियो में 18 की 6.5 लाख रुपए में शूट किया है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हमारी प्रायोरिटी आजकल चल रही है कि न्यू शेप देना है, अच्छी गाड़ियाँ देनी है, और रेट ऐसा देना है कि लोगों को यादगार रहे कि कौन सी डीलरशिप की वीडियो आई थी। सही बात है, 18 की इस तरीके की गाड़ी, क्योंकि मैं इसलिए जान रहा हूँ कि ये जब गाड़ी न्यू में निकली थी उससे लेकर के आज तक मैं इस गाड़ी की हिस्ट्री जानता हूँ। ठीक है, आपको इसके लिए पे करना है मात्र 5,65,000, और यकीन माने इस शेप की गाड़ी आपको 5,65 में नहीं मिल रही है। आपको जहाँ भी सर्च होना है, वेरीफाई होना है, आप कर लीजिए। साथ ही साथ आपको 4 लाख रुपए इसमें फिनांस भी हो जाने वाले, तो अच्छा। बहुत एक अच्छा डील, एक अच्छा ऑप्शन है, काइंडली इसको ग्रैब करें, मिस नहीं करें। बिल्कुल ग्रैब करें, मिस ना करें, क्योंकि आप देखते होंगे भाई बहुत ही ज़्यादा इनके यहाँ विजिटिंग रहती है, आप भी देख पा रहे होंगे जब हम लोग वीडियो भी शूट कर रहे हैं। तो खैर इसका भी रेट भैया आपने बता दिया है, डाउन पेमेंट भी भैया ने आपको बता दिया है। तो जिन भी भाइयों को परचेस करना होगा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए
है नंबर पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने पास, भाई अगर बात करें हर एक सेगमेंट की है, हर एक सेगमेंट की है, प्राइस अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, आज आपके लिए लेके आ चुके हैं मारुति सुजुकी बलेनो व्हाइट। रेट ऐसा लेकर के आए ना सर, बलेनो आपने 5.5 में देखी है, 6 में देखी है, 6.5 में देखी है, 7.5 में देखी है, आज लेकर के 17 मॉडल व्हाइट कलर पटना रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं 4,85,000 रुपए में। यकीन मानिए वीडियो आने के बाद अगर आपने मिस कर दिया तो इस रेट में दोबारा मेरे यहाँ भी नहीं मिलने वाली, बिल्कुल इनके यहाँ भी नहीं मिलने वाली है। भैया चला कितना होगा ये आपको चल चुकी है 35,000 किलोमीटर, फर्स्ट ओनरशिप में गाड़ी है, आपको एंड्रॉइड टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम सब, आप कहीं भी एक सिंगल डेंट नहीं, स्क्रैच नहीं, सीट कवर मैट क्रोम, मतलब एक चवन्नी एक सिंगल पेनी भी आपको नहीं लगानी, बिल्कुल एक चवन्नी एक पेनी भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और कीमत आपको भैया ने बता दिया है, तो बस आप उतने दीजिए और को अपने घर लेकर जाइए। आपने देखा भाई 2017 मॉडल बलेनो है ये, व्हाइट कलर की, पटना नंबर है, पूरा वॉक अराउंड मैं आपको कराते चलता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो जिनको i20 बलेनो जैसी गाड़ियाँ पसंद आती है, दोनों इकट्ठे यहाँ पे लगा हुआ है, आप आकर दोनों को ही देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको टायर की कंडीशन भी दिखाते चलता हूँ, ये इसका साइड प्रोफाइल है भाई। और आइए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अंदर से ये गाड़ी कैसी दिख रही है, अंदर से क्या कुछ आपको फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। तो जैसा भैया ने शुरू में ही आपको बताया था कि इसमें आपको एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, एयर बैग आपको मिल जाती है दोनों साइड पे, सीट वगैरह की भी आप कंडीशन देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे पावर विंडो भी देखने को मिल जाता है। प्राइस आपको बता दी गई है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा भैया, डाउन पेमेंट की अगर बात करें, ये गाड़ी कितने में छूट जाएगी, ये गाड़ी अगर प्रोफाइल बढ़िया है? यकीन मानिए अगर आप बलेनो के दीवाने हैं, बलेनो के शौकीन हैं, क्योंकि बलेनो मुझे भी बहुत पसंद आती है, मतलब इस सेगमेंट में इस तरीके की गाड़ी मुझे कोई और नज़र नहीं आती है, आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दें, इस गाड़ी को अपना बना लें, अपने साथ घर ले जाएं, यकीन माने 2 साल तक एक सिंगल पेनी लगनी नहीं है, लगनी नहीं है, और बाकी साथ ही साथ 1 साल की वारंटी तो मैं देता ही हूँ। और साथ ही साथ बाईबैक की भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है, तो हर एक फैसिलिटी आपको एक छत के नीचे मिल रही है। भैया थोड़ा सा फ्यूल हम लोग क्लियर करते चलते हैं, हमने अभी 4 गाड़ियाँ दिखाई, हमने 4 गाड़ियाँ दिखाई है और चारों की चारों पेट्रोल ही दिखाई है। अब हम डीजल की तरफ, अब डीजल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे हम लोग सेडान के तरफ। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हुंडई, जो कि बहुत ही रिनोन कंपनी है, उसकी एक्सेंट है भैया, एक्सेंट है सबसे बड़ी बात, कि आप हमेशा वीडियो शूट करते हैं, आप हमेशा देखते होंगे कि ओल्ड शेप एक्सेंट हर किसी के पास होती है, न्यू शेप किसी के पास नहीं होती है। जब भी वीडियो में दिखाई है, हम नहीं दिखाई है, अपने यहाँ से अपने यहाँ से दिखाई है, बिल्कुल। लास्ट वीडियो में भी हमने शूट की थी, जो कि 2018 की थी, पेट्रोल थी, वो सोल्ड आउट हो चुकी है, आपके लिए एक सेकंड ऑप्शन लेकर के आए, एक्चुअली डिमांड पे आई है, डिमांड वो बिक गई, तो लोगों का कहना था कि भैया सेम शेप चाहिए, डीजल में चाहिए, बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए आ चुकी है, पटना रजिस्ट्रेशन 2017, 37,000 किलोमीटर, फर्स्ट ओनरशिप में, वेल मेंटेन्ड, एक सिंगल पेनी नहीं, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर, सीट कवर, क्रोम, सब कुछ लगा रखा है कस्टमर ने। बाकी आप एक बार वॉक अराउंड करेंगे, कितनी बेहतरीन गाड़ी आपको मिलेगी, बिल्कुल गाड़ी आप देख लीजिए भाई, पटना नंबर आप देख रहे हैं, डीजल वेरिएंट है। मैं आपको बताऊं तो डीजल में आपको कहीं ना कहीं ये माइलेज 22 से 24 का देगा कम से कम, अगर आप गाड़ी ढंग से चलाते हैं तो। नंबर आपको हमने दिखा दिया, व्हाइट कलर की कार है, साइड प्रोफाइल भी मैं आपको दिखाता हूं, प्रॉपर सेडान कार है भाई, जिसमें आपको अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिलता है, फैमिली बड़ी है तब भी आपको ये गाड़ी बहुत ही पसंद आएगी। टायर वगैरह की कंडीशन भी आप देखते चलिए। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंदर से ये गाड़ी कितनी मेंटेन है, अंदर से कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर विंडो का स्विच, बाकी आप डैशबोर्ड का पूरा लुक ले सकते हैं भाई। और मैं आपको पीछे वाली सीट के साथ साथ आगे वाली भी सीट दिखा देता हूँ, तो ओवरऑल मैंने सब कुछ दिखा दिया। अच्छा एक चीज़ रह जाता तो भाई आपको मैं बता दूँ, इसमें एयर बैग भी है, मतलब सेफ्टी का भी ध्यान आपका बखूबी ही रखा गया है। भैया कौन से साल का हम दिखा रहे हैं? 2017 है ये, 2017 है, सेडान है, और इस तरीके का ऑप्शन, जैसे कि आप 17 या 18 की डिजायर में जाते हो तो आपको 6-6.5 लाख रुपया खर्च करने होते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं डीजल ऑप्शन 2017 हुंडई जैसी ब्रांडिंग को 4,75,000 रुपए में, और अच्छा साथ ही साथ लोन फैसिलिटी, 1 साल की वारंटी, 2 साल चला के मन भर जाता है, लेके आ जाइए 20% 25% अकॉर्डिंग टू कंडीशन काट के वापस ले लूंगा। बहुत बढ़िया, तो बाई बैक भी है, और आप देख रहे हैं 5 लाख के भीतर 17 मॉडल एक सेडान कार हमने दिखाया, वो भी डीजल में। डीजल की डिमांड अभी इतनी बढ़ गई है ना, क्योंकि आपको भी पता है हुंडई ने भी डिसकंटिन्यू कर दिया है भाई अब डीजल कार बनाना। और नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं हर एक ब्रांड का कहते हैं, तो फिर होंडा भी दिखाएंगे, होंडा भी दिखाएंगे। ऑब्वियसली बात है, ये गाड़ी स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि इसका रेट बहुत अच्छा होने वाला है। अगर कोई भाई सेडान के ऑप्शन खोज रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी 2016 की है, पटना रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनर है, डीजल है, अच्छा ये भी डीजल, ये भी डीजल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सुपर सेडान अमेज बहुत ज़्यादा बिकती है, वीडियो शूट होता है 4.5-5, आज हम ऐसे रेट में लेकर के आए हैं कि वीडियो आने के बाद अगर रुक गई तो
देखते हैं। बिल्कुल भाई, वैसे रुकनी जानी है नहीं भाई, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों का भाई यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, इसलिए क्योंकि भाई इनके पास जो वैरायटी ऑफ कार है ना वो कुछ ज़्यादा ही है। आप देख पा रहे होंगे हर एक ब्रांड हमने दिखाया है आपको, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे भाई, जो मैंने आपको बोला कि काफ़ी ज़्यादा इनके यहाँ विजिटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी व्हाइट कलर के हम लोग आते हैं होंडा अमेज पे, जैसा भैया ने बताया सुपर सेडान, इसलिए क्योंकि भाई होंडा ना आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के साथ में आपको गाड़ियाँ देती है, बहुत ही अच्छा इनका जो इंजन की ट्यूनिंग होती है लोगों को पसंद आती है, जिससे कि ड्राइविंग उनकी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब आप देखेंगे कि होंडा की कार है भाई, तो आप जानते हैं म्यूजिक सिस्टम से लेके आपको पावर विंडो हर एक सुख सुविधाएं आपको मिल जाती है। बाकी एसी हीटर पावर स्टीयरिंग मुझे अब बताना सही नहीं लगता, क्योंकि मेरे भाई लोग भी अब समझ चुके हैं भाई ये नॉर्मल है इन सब गाड़ियों के लिए। सीट कवर भी लगा हुआ है, ओवरऑल मैंने आपको इंटीरियर दिखा दिया है, और जो आपको प्राइस मिलेगा ना वो होगा माउथ वाटरिंग, इसलिए क्योंकि अभी आप प्राइस सुनिएगा भैया, प्राइस आपने क्या रखा है इस डीजल कार की? 4.5 होनी चाहिए, क्या और कम कर दिया जाए? माउथ वाटरिंग कहा है ना मैंने, माउथ वाटरिंग कहा तो सही बात है। तो आपको 40,000 चली हुई 2016 की पटना रजिस्ट्रेशन डीजल विथ वाइट पर्सनल चलाना है, पर्सनल चलाइए, आपकी इच्छा है कि साठा भाड़ा आपको चलाना है, ऑब्वियसली बात है चलाइए। कीमत आपसे लेंगे मात्र 3,75,000 रुपए, ऑफर्ड प्राइस है, यकीन मानिए कि ये छोड़ दी तो दोबारा नहीं मिलने वाली, साथ ही साथ फिनांस भी देंगे, फिनांस भी देंगे, 1-1.25 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पे आपको 2016 की होंडा अमेज भी मिल सकती है, 2016 की होंडा अमेज भी मिल सकती है। 3.75, 4.75 या 85 था वो, उसके बाद भी मैंने जो कहा ना कि आप देखते जाइएगा आपको हर एक प्राइस सेगमेंट की कार आपको यहाँ अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आते हैं भैया इलीट के बाद एक्टिव, इलीट के बाद एक्टिव हमारे पास, हम इसीलिए तो जाने जाते हैं हर वैरायटी हर क्वालिटी, मतलब जिनको जो भी चाहिए सब चीज़ ऑप्शन है। अगर आप अदर डीलरशिप पर जाते हो तो लाइन से स्कॉर्पियो लगी हुई है, लाइन से डिजायर लगी हुई है, लाइन से बुलेरो, हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, हर भाई को खुश करें। अगर मेरे यहाँ कोई आए तो लौट करके नहीं आए, इतनी क्वालिटी और ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हो जाती है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास i20 एक्टिव आई है। स्पेशल क्या है कि एक्टिव 90% पेट्रोल आती है, 10% लोग डीजल लेते हैं, जिनकी शौक होती है, जिनको माइलेज ज्यादा चाहिए, जिनकी रनिंग ज्यादा होती है। तो आपके लिए डीजल ऑप्शन लेकर के आए हैं i20 एक्टिव 2015 सबसे टॉप मॉडल SX, व्हाइट कलर, बहुत ही गुड लुकिंग गाड़ी है, किलोमीटर इसके सिर्फ 29 चले हैं, 29,000 किलोमीटर मात्र और मात्र चली हुई, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल आप i20 एक्टिव देख रहे हैं, विद अलॉय व्हील, विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प, विद फॉग लैम्प सेटअप वगैरह। सबसे बड़ी बात क्या है कि ओरिजिनल पेंट में आपको मिलनी है, एक पीस भी टचअप नहीं है, जो माइनर स्क्रैचेस थे वो तक गाड़ी में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ओरिजिनल पेंट की गाड़ियां जल्दी आपको नहीं मिलती है, अगर आप एक अच्छा ऑप्शन ले रहे हो और प्राइस भी आपको बहुत अच्छा देंगे, ये नहीं कि डीजल है तो 6.5 मांगेंगे 7 मांगेंगे, एक्टिव है तो बहुत ज्यादा प्राइस करें, बहुत ही बेस्ट प्राइस में बेस्ट गाड़ी आपको मिल जाने वाली। बिल्कुल। तो भाई आपको भैया ने शुरू में ही बता दिया कि आपको किस तरह का प्राइस एक्सपेक्ट करना है इस कार के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उस साइड से मैंने आपको दिखा दिया था, इस साइड से भी आप गाड़ी को देख सकते हैं। अब देखेंगे डोर पे भी माइनर स्क्रैच है, तो विच मीन्स ये गाड़ी एक्चुअल में ओरिजिनल कंडीशन में एज इट इज खड़ी है इनके डीलरशिप पे। इंटीरियर मैं आपको दिखा दूं मेरे भाई, तो इंटीरियर भी आप देखिए, और जब भी आप भाई इन सब गाड़ियों के ना, जैसे हुंडई की i20 होगी, बलेनो हो गई, इन सब की इंटीरियर जैसे ही आप अपने डोर खोल के अंदर आते हो ना, तो आपको फील होती है कि कितनी अच्छी इन्होंने बनाई है, और शायद से यही वजह कि भाई आज भी ये सब गाड़ियां आपको रोड पे बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डोर पैनल में आपको दिखा रहा हूँ, सारे कंट्रोल्स है भाई, जो भी आप बोलेंगे वो सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, एयरबैग मिलती है, यहाँ पे स्टेरिंग पे अगर बात करें सारे कंट्रोल्स हैं, म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं वहाँ पे कंपनी फिटेड है, उसके जस्ट बाजू में अगर आप देखेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, भैया ने नहीं बताया मैं आपको बता दूं, ये पुश बटन स्टार्ट गाड़ी है, गाड़ी की चाबी जेब में और गाड़ी हो जाएगी आपके स्टार्ट। नीचे में आपको ऑटोमेटिक एसी यूनिट देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ पे सीट वगैरह की भी कंडीशन देख लीजिए। तो जिनको मतलब सुविधाएं भी चाहिए भरपूर, गाड़ी भाई रेट में हो, माइलेज ज़्यादा चाहिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये आपको मिलने वाला है ऑप्शन। भैया सब कुछ हमने बता दिया, सब कुछ हमने बताया, प्राइस हमने छोड़ दी है, तो आज आपके लिए लेके हैं आए हैं i20 एक्टिव मात्र 5,25,000 रुपए में। अच्छा। यकीन मानिए इस प्राइस में i20 एक्टिव डीजल सेकंड ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला, सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 5.25 की आपको टॉप मॉडल मैंने वो कार दिखाई है, जिसका आपने इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ देखा, ऑल ओरिजिनल पेंट में आज भी ये गाड़ी खड़ी है, लेकर जाएंगे ना तो जीत गए ऐसी फीलिंग आएगी। तो भैया हमने ये सारी डीजल भी तीन तीन दिखाई है, दिखा दी। अब आ जाते हैं हमारे प्रॉपर
जो स्टॉक होता है जो हमारे स्पेशली उन भाइयों के लिए होता है जिनका बजट कम होता है, जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनको अच्छी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, कम प्राइस में चाहिए होती है, तो उनके लिए भी हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी वैगनर स्टिंगरे, वैगनर हमेशा मिलती है, स्टिंगरे नहीं मिलती है, क्योंकि इसका जो आउटलुक होता है वो बिल्कुल वैगनर जैसी लगती ही नहीं, बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो हमारे पास VXi प्लस जो कि सबसे टॉप मॉडल एडिशन आती है पटना के बिहार के बेगूसराय जिले से रजिस्टर्ड है, 45,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है, टायर पोजीशन अबाउट 65% मिल जाने वाला है, नॉट अ सिंगल स्क्रैच, सीट कवर वगैरह सब चीज मिलने वाला है, प्राइस भी आपसे बहुत ही एक्साइटेड लेंगे और फिनांस भी यहां तक देंगे, फिनांस भी यहां तक आपको देंगे। कौन से साल का आपने बताया अभी? 2014। ठीक है, 2014 की आप देख रहे हैं वैगन आर स्टिंगरे VXi प्लस। अब भाई ये बहुत ही अलग दिखती है, आप बोनट की बात कर ले या फिर सामने से ये जो ग्लास पैनल बीच में आया है ना कहीं इसके वजह से लोग बहुत ही ज्यादा इसको प्रीफर करते हैं, लेने के लिए जाते हैं। और साथ ही साथ भाई ये VXi प्लस है तो आप देखेंगे एक आपको हैलोजन दिख रहा होगा, उसके बाजू में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है भाई इसमें ही बस एक आती है ये वैगन आर सेगमेंट में, और अभी नई वाली में भी नहीं आई है आपको मैं बता दूं। एलॉय व्हील आपको मिल जाता है जो कि ग्लॉस ब्लैक में आप देख रहे होंगे, टायर की कंडीशन जो कि भैया ने बताया 65% आपको अभी मिलती है इसमें लाइफ। साथ ही साथ आप साइड प्रोफाइल देख लीजिए, और मेरे भाई मैं आपको इंटीरियर भी दिखा देता हूं, क्योंकि आप करते हैं फिर कंप्लेन भैया इंटीरियर नहीं दिखाया, तो आप देख लीजिए इंटीरियर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ आप चेक कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप पीछे वाली सीट देख लीजिए और आगे वाली भी देख लीजिए। अच्छा एक चीज़ आप माइंड करेंगे भाई कि मारुति की गाड़ियों में ना आपको सीटिंग कम्फर्ट बहुत अच्छा मिलता है, थाई सपोर्ट की बात कर ले और बैक सपोर्ट की बात कर ले, बढ़िया मिलती है। तो भैया आपने कहा है यहां तक लोन भी करा देंगे, यहां तक लास्ट लोन भी करा देंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है गाड़ी की कंडीशन आपने देखी बहुत ही अच्छी कंडीशन है, अगर किन्हीं भाइयों का बजट कम है और चाहिए एक बहुत अच्छी कार उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी प्राइस हम लोगों ने रखी है मात्र 2,95,000, नहीं लेने आप 3.5 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए, जिन्हें प्राइस 2,95,000, 1 लाख रुपए देंगे, बाकी आपका लोन हो जाने वाला है। यकीन मानिए स्टिंगरे जल्दी नहीं आती और इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं आती है भाई। तो लाख रुपए भी अगर आपके जेब में है और आपको है कि भैया हम तो एकदम थक चुके हैं बाइक पे घूम घूम के, तो कार आपके लिए अवेलेबल है, लाख रुपए जमा कीजिए, गाड़ी लेकर जाइए, रेस्ट अमाउंट आपका फिनांस करा देंगे यहीं से, और यहीं से कराएंगे, आपको नहीं जाना है फिनांस के पास में, आखिरी में हम लोग बात करेंगे फिनांसर के पास में, आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं भाई, हम लोगों ने हमेशा डिजायर दिखाई है 4 लाख 5 लाख रुपए में, बहुत से भाइयों का कंप्लेन आ रहा है कि भैया हम 3 लाख वाले कहाँ जाएं। अच्छा 3 लाख भी तो शौक है कि हम भी डिजायर चढ़े, बिल्कुल दो पैसे कमाए, तो आपके लिए लेके आ चुके हैं पेट्रोल डिजायर 2012 मॉडल, 53,000 किलोमीटर चली हुई, मतलब वेल मेंटेन्ड जिसे कहते हैं, वेल मेंटेन्ड गाड़ी है, इसमें भी आपको कोई दाग नहीं, हल्का फुल्का बम्पर आपको टचअप्स मिल सकता है, ठीक है, और पटना रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, फिनांस नहीं होने वाला है, कैश ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी वॉक अराउंड आप लीजिए, मैं फिर आपको रेट बताऊंगा। ठीक है, तो 53,000 किलोमीटर चली हुई आप डिजायर में पेट्रोल वेरिएंट देख रहे हैं, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो अपनी जो अभी सेप आ रही है उससे पहले वाली है जो कि आज भी आपके रोड पे बहुत ही ज़्यादा दिखती होगी, साइड प्रोफाइल इस ओर से भी आप अपना चेक कर पा रहे होंगे भाई। आपको मैं यहाँ पर टायर की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, 2012 मॉडल है, मैंने आपको बता दिया भाई कि कितनी चली हुई है। इंटीरियर की अगर बात करें भाई, चारों पावर विंडो आपको देखने को मिल जाता है, बाकी अगर आप देखेंगे तो बीच में आपको म्यूजिक सिस्टम मिलती है जो कि मारुति सुजुकी की ओरिजिनल लगाई हुई है। सीट की भी कंडीशन आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, तो ओवरऑल जो अंदर की बात थी भाई मैंने आपको दिखा दी है, बाहर से आपने गाड़ी को ऑलरेडी देख लिया है। अब आप सोचते होंगे कि भैया डिजायर है तो कम से कम तो 380-390 के आसपास तो आएगा ही, भैया 380-390 के आसपास आप सोचते हैं, लेकिन आपके सोच से थोड़ा ऊपर हम चले जाते हैं। अच्छा, आपको दे देंगे डिजायर मात्र 3,25,000 रुपए में, और यकीन मानिए मतलब आपके पर्सनल यूज या आपके कमर्शियल यूज हर चीज में ये गाड़ी फिट बैठती है। तो 3.25 लाख के बजट में जहां पे आपको अदर डीलरशिप पे वैगन आर अफोर्ड कर पाते हैं, आप अगर यहां आते हैं तो आपको डिजायर का भी ऑप्शन मिलता है, तो हर एक ऑप्शन की कार आपको मिलेगी। नेक्स्ट अपने पास हुंडई की जाने ही जाते हैं अपने ऑप्शन के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए और अपने लॉट्स ऑफ स्टॉक के लिए, लेकिन बहुत मेहनत लगती होगी ऐसे स्टॉक में, मत पूछिए आप लोग के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जब आप आते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं कि भैया रोमिंग बर्ड से आए हैं, आपका वीडियो देखा, बहुत खुशी होती है आपको देख करके, आपका स्टॉक देख करके, तब लगता है कि आप मेहनत की लेकिन सफल है भाई, क्योंकि आप देखेंगे हर एक वैरायटी ऑफ कार हमने आपको दिखाया, अभी कुछ रह गया वो भी हम लोग दिखाएंगे, बीच वाला लॉट भी आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, फिलहाल हम लोग i10 के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग i10 पे आ जाते हैं, हमारे पास सिल्वर कलर पटना रजिस्ट्रेशन 2011 मॉडल एक सिल्वर कलर की आ चुकी है, कंडीशन बहुत अच्छी है, माइनर टचअप्स थे जो हमने खुद से करवाए हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैग्ना वेरिएंट की गाड़ी है, चारों पावर विंडो, पावर ब्रेक, एसी हीटर सब कुछ मिल जाता है। जिन भाइयों का सोचना रहता है कि 2-30-40-50 में हमें एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, उनके लिए हम एक ऑप्शन लेकर के आए हैं, कीमत
बहुत ही सस्ती आपके लिए लेकर के आए हैं। 2.5 लाख भी आपको नहीं लगाने हैं, 2-30 भी नहीं लगाने हैं, आपके लिए लेके आए हैं मात्र 2,15,000 रुपए में हुंडई i10 2011 पटना रजिस्ट्रेशन, नॉट अ सिंगल स्क्रैच ऑन द बॉडी। आप देख पा रहे होंगे 2,15,000 की आपको ये छोटी सी जो कार है अपनी हुंडई की i10 वो आप खरीद सकते हैं, अपने घर लेकर जा सकते हैं। नंबर भी पटना का है। और भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर हुंडई की i10 की बात करें ना, तो भले ही ये क्यों ना 2007 की भी मॉडल होती ना, तो इसके इंजन इतनी रिफाइन बनाई है भाई हुंडई ने कि आपको मैं क्या ही बताऊं। आप जब चलाएंगे यू विल नॉट फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार फ्रॉम 2011 या 10 मॉडल, क्योंकि बहुत ही अच्छी इसके इंजन है, आप खुद आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे डोर पैनल, आपको 2 पावर विंडो देखने को मिल जाता है। अच्छा, डोर पैनल पर ये जो पावर विंडो है इससे आप देख के बता सकते हैं कि भाई गाड़ी कितने अच्छे से यूज हुई है। आज भी ये घसी हुई नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो भाई 2020 मॉडल गाड़ियों के भी ये वाला घसा हुआ दिख जाता है। तो पुरानी गाड़ियां लोग अच्छे से रखते थे, ये भी यहाँ पे प्रूव होता है। बाकी बीच में आपको मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम। सीट आप देखते चलिए भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सीटिंग भी मैंने आपको दिखा दिया कार की। भैया 2011 मॉडल 2,15,000 रुपए। एक और सेगमेंट लेके आ जाते हैं, मांजा हमारे पास स्टॉक में हमेशा एक पीस अवेलेबल रहती है, डिमांड इतनी रहती है कि कस्टमर लेने वाले ज्यादा होते हैं लेकिन गाड़ी की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि सेडान इससे सस्ती कोई अदर कंपनी कोई ऑफर आपको नहीं करती है। बिल्कुल, आज फिर से आपके लिए सेडान लेकर के आए हैं, टाटा मांजा लेकर के आए हैं, और कलर तो मत ही पूछिए क्या है, चेरिश रेड, बहुत ही खूबसूरत कलर, पटना रजिस्ट्रेशन 2011 मॉडल, 60,000 के अप्रॉक्स में चल चुकी है, पेट्रोल में आपको अवेलेबल हो जाने वाली है, और आस्किंग आपके लिए होने वाली है मात्र 2,15,000 रुपए। यकीन मानिए इस लेवल की इस क्लास की गाड़ी 2,15 में कहीं नहीं मिलने वाली, 2,15,000 में और कहीं नहीं मिलने वाली है। 2011 मॉडल ये भी था, 2011 मॉडल ये भी है, लेकिन ये BR01 BC है, तो भाई 11 लास्ट ही होगी मोस्ट प्रोबेबली मेरे आकलन से। लेकिन प्राइस जो है ना वो सबसे मेन है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि 2,15,000 में अगर आपको इतनी लंबी सेडान मिल जाती है, वो भी कौन से ब्रांड से, टाटा से, तो आप इसको अगर आप भाड़े वगैरह में भी चलाते हो ना मेरे भाई, तो आराम से आपके लिए 1 या 1.5 साल ही काफ़ी है, इसके पूरे रकम आप निकाल सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि भले ही 2,15,000 की है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको पावर विंडो ना मिले, पावर विंडो भी आपको मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलती है, टाटा की ओरिजिनल आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिल जाती है, उसके नीचे ही आपको AC यूनिट देखने को मिलता है। बाकी ये सीट वगैरह की भी कंडीशन आप देख ही लीजिए भाई कि 2,15,000 की भी गाड़ी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन सिंगल पीस है, ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, तो जो पहले आते हैं उनको मिलती है, हमारे इंस्टा पे आके बोलने से थोड़ी ना आपको मिल जाएगा। तो भैया हमने दिखा दिया टाटा मांजा, यकीन मानिए कि आपको उस प्राइस सेगमेंट में सेडान वैसी गाड़ियां नहीं मिलने वाली है। और कुछ और बातें हैं जो हम अपने नए यूजर्स को बता दें कि अगर आप रॉयल कार बाजार से कोई भी गाड़ी परचेस करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलती है 1 ईयर की फ्री वारंटी ऑन इंजन, गियरबॉक्स, बैटरी, एंड द सेकंड थिंग आपको डॉक्यूमेंटेशन के कोई टेंशन नहीं लेने होते हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन RC ट्रांसफर वगैरह सब चीज यहां से हो जाता है, आपको कहीं नहीं दौड़ने होते हैं, सिर्फ आपको उसके जो चार्जेस हैं वो पे करने होंगे, बट आपको कहीं दौड़ना नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब हम आपको करके देंगे। प्लस आपको बाईबैक ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको साल दो साल चला करके मन हुआ कि आपको एक्सचेंज करनी है या बेचनी है तो वो फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। एंड द सेकंड लास्ट थिंग कि ऑल ओवर बिहार आप किसी भी ज़िले से हैं तो ये ना सोचिए कि आपको फिनांस पे गाड़ी नहीं मिलेगी, आप कहीं से भी हैं आइए, फिनांस में 2-4 दिन 5 दिन वक्त लगता है लेकिन हम आपको फिनांस करवा करके एक ऑप्शन ज़रूर देंगे, एक ऑप्शन ज़रूर देंगे। और फिनांस के भी जब हम लोग बात करें तो मैं आपको बता दूं कि फिनांस के लिए भी आपको फिनांसर के पास नहीं जाना, आप यहीं पे आएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन आपसे कराई जाए, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जाएगी बस वो आप दीजिए, वो भी बहुत ही जनरल डॉक्यूमेंट होते हैं। भैया डॉक्यूमेंट्स होते क्या है वैसे? ऑलमोस्ट आधार, पैन, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, इतना ही होता है, बिल्कुल इतना ही होता है, आप इतना देंगे आपकी लोन भी प्रोसेस करा दी जाएगी। तो आते हैं अब हम लोग थोड़ी सी SUV सेगमेंट में, दो गाड़ियां, ये गाड़ियां दिखानी नहीं थी बट अंकित का कहना है कि जब इतना दिखाया है तो 2 SUV भी दिखाते हैं, 7-सीटर भी दिखाते हैं, तो खैर दोनों ही ऑप्शन लाजवाब है, एक का रेट कमाल होने वाला और एक गाड़ी कमाल होने वाली, गाड़ी कमाल है वो आपके सामने है, होंडा की BRV 7 सीटर, सबसे टॉप मॉडल BRV। लोग कहते हैं कि होंडा की गाड़ी है फिर भी BRV इतनी क्यों बिकती है, उसका रीजन बताता हूँ, 27 का माइलेज देती है 7 सीटर के बाद। अगर आपको यकीन नहीं है, होंडा BRV माइलेज गूगल पे डालिए, 27-28 आपको आ जाने वाला, या फिर जिसने BRV रखी है उससे पूछिए, यही एक सिंगल रीजन है BRV के बिकने का। और बहुत कंफर्ट वाली गाड़ी होती है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, खूबसूरत सा अलॉय व्हील हो जाता है क्योंकि टॉप मॉडल गाड़ी है हमारी, पटना रजिस्ट्रेशन 2016, 51,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी अभी तक। आस्किंग प्राइस लास्ट में बताएंगे, पहले गाड़ी के फीचर्स दिखाएंगे, कितनी कमाल की गाड़ी है वो दिखाएंगे, बिल्कुल, तो वो सबसे पहले दिखाएंगे। तो आप फ्रंट से देखना स्टार्ट करो, तो ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है और आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे कि टॉप मॉडल है, तो भाई आपको सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे
आप देखेंगे फॉग लैंप ऐसे लोअर वेरिएंट में आते नहीं, लोअर ट्रिम्स में नहीं आते, इसमें आपको मिलता है प्रोजेक्टर हेड लैंप मिलती है। साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भाई चलते आ रही है होंडा की जो अलॉय व्हील वो आपको देखने को मिलती है, और पूरा ही वॉक अराउंड मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी बीच में लगी हुई है तो आप भी देख पा रहे होंगे। VX वेरिएंट है, BRB BR01 PG 5410 गाड़ी का नंबर है, बैक बम्पर लगा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं इसका इंटीरियर भी। तो भाई इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें ना तो मुझे लगता है होंडा को थोड़ा सा कम्पीट करने में बाकी अदर ब्रांड को दिक्कत होती होगी, क्योंकि आप देखेंगे बहुत ही अच्छा इसका आपको निकल के आता है पूरा। अगर आप यूनिट देखेंगे जो कि आपको डैशबोर्ड पर दिख रहा होगा, जैसे म्यूजिक सिस्टम आप देख रहे हैं बीच में आपको मिलती है, उसके नीचे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाती है। और 7-सीटर में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो पता है क्या करता है, कि पीछे वाले लोगों को भी कम्फर्ट फील हो, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है गर्मी के दिनों में, वो होता है रूफ़ AC भाई। तो रूफ़ AC इसमें आपको मिल जाती है, जो कि इस सेगमेंट में अगर आप टाटा सफारी भी लेने जाते हैं तो शायद से अभी उसमें नहीं आ रही है, इसमें आपको मिलता है और एक अर्टिगा में मिलती है भाई। तो आप खरीदना चाहते हैं तो अब आपके लिए जानना होगा कि प्राइस कितने देने होंगे। एक 7-सीटर जब आप 16 मॉडल लेने जाते हैं तो भाई एक तो अपनी स्कॉर्पियो है जिसके लिए 11 लाख रुपए, बोलेरो के लिए 8 लाख रुपए। और फिर बात आती है भैया यहाँ पे इस गाड़ी, यहाँ पे इस गाड़ी, हालांकि यकीन मानिए कि आपको स्कॉर्पियो में भी वो फीचर्स नहीं मिल रहे हैं जो इसमें मिल जाने वाले हैं। सही बात है, फीचर कंफर्ट रूफ़ AC, तो ये सब के साथ हम लेकर के आए हैं एक 7-सीटर SUV, वो भी कॉम्पैक्ट फीचर्स के साथ, मात्र 6,85,000 रुपए में। बहुत बढ़िया पटना रजिस्ट्रेशन, यकीन मानिए कि अगर आपको 7 लाख के अंदर गाड़ी लेनी है तो इससे बेटर 7-सीटर का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। लोन की भी फैसिलिटी मिल जाने वाली है, ट्रांसफर की भी फैसिलिटी मिल जाने वाली है, 1 साल की वारंटी भी मिल जाने वाली है, और यकीन मानिए कि इस तरीके का माइलेज कोई भी 7-सीटर नहीं देने वाली है, नहीं देने वाली है भाई। तो अगर आपको बिल्ड क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, आपको ही पता है इशारा किशोर है, तो आप जा सकते हैं होंडा की 7-सीटर जो हमने आपको दिखाई है। नेक्स्ट आते हैं अपने महिंद्रा, महिंद्रा जो एक नियो आई है भाई आपको ही पता है टोटली इससे इंस्पायर है, जो कि है TUV 300 है, आपको बोलेरो नियो है, दोनों एज मच एज सेम होती है। आज की गाड़ी स्पेशल हमारी इसलिए होने वाली है कि जो प्राइस लेकर के आया ना वो अनबीटेबल, नॉन कंपैटिबल, मतलब कुछ भी आपको नहीं मिलना है। आपने हमेशा TUV 6.5 लाख 6.25 लाख 7 लाख रुपए में देखी है, आज हम आपके लिए सबसे टॉप मॉडल T8 अलॉय व्हील्स के साथ 7-सीटर लेके आए हैं। कितने में आखिरी में बताएं, चलिए आखिरी में बताते हैं। आपने कौन से साल का बताया भैया? 2016 फर्स्ट ओनर, 58,000 किलोमीटर्स। ठीक है, 2016 मॉडल है, किलोमीटर भी भैया ने आपको बता दिया है, लेकिन जो सबसे मेन चीज है कि ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, जहां पे आप देखेंगे एलॉय व्हील भी आपको मिल जाती है। और आपको एक चीज याद होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइस बहुत ही इसका बम मिलने वाला है, क्योंकि इस जगह पे जो भी गाड़ी खड़ी होती है ना, ये वाला जहां पे ये ट्यूब ही लगी हुई है, हमेशा से इसकी प्राइस बढ़िया ही आती है भाई। कि आप देख सकते हैं, मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखाते चलता हूं, और पीछे से भी आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर BR01 PG 3080। और अब हम लोग आते हैं, एंट्री लेते हैं कि अंदर से ये गाड़ी कैसी दिख रही है। तो अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप देखेंगे भाई ये स्टेयरिंग आपको पता है एज इट इज आपको थार में देखने को मिल जाती है, और जो अपनी बोलेरो नहीं आई है उसमें देखने को मिलती है। बीच में आपको मिलता है म्यूजिक सिस्टम, नीचे आती है आपको चारों पावर विंडो, और ये है अपनी भाई 7-सीटर महिंद्रा की TUV 300 T8, सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। मुद्दे पे हम लोग आते हैं, कितने रुपए आखिरकार आपको देने वाले? तो सबसे पहले तो वीडियो आज की इंटरेस्टिंग लगी या नहीं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है आपके लिए इतना शानदार स्टॉक लेके आने में, इतनी मेहनत करने में। वीडियो भी शानदार हुई होगी जहां तक मुझे लगता है, रेट भी बहुत शानदार हुआ होगा, स्टॉक के तो कहने ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन वीडियो क्लोज करने से पहले एक लास्ट बम तो हम फोड़ते हैं। सही बात, आपके लिए लेके आए हैं TUV 300 सबसे टॉप मॉडल, मात्र 4,85,000 रुपये में। अगर आपको TUV चाहिए तो माइंड मेकअप करके रखिए कि 1 साल या आने वाले 2 साल में भी ये प्राइस आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आ चुके हैं इस प्राइस में, जो कि दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो 4,85,000 के TUV 300 2016 मॉडल, मैं कह रहा हूँ आप ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी 15 साल की रजिस्ट्रेशन वैलिड है कारों पे, आप वहाँ से कंपेयर कीजिएगा, ये रेट आपके नहीं निकल के आने वाले हैं। तो जिन भी भाइयों को लेना होगा रॉयल कार बाजार पे आप विजिट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है, अगर आप सहूलियत मानते हैं ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो हमने सब कुछ आपको बताया, बस एक चीज़ रह गई है कि आप यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हैं, यहाँ पे पहुँचने का भैया तरीका क्या है? यहाँ पे बाकी पुराने भाई तो सब हमारा एड्रेस जानते हैं, लेकिन जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो लोकेशन है वो पटना के सबसे नामी हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की दूरी जानीपुर रोड में है। शॉप हमारी 10 बजे ओपन हो जाती है, 7-7 बजे बंद हो जाती है। कॉलिंग टाइम हमारा सुबह 9:30 से शाम के 8 बजे तक रहता है, तो इस बीच आप हमें कांटेक्ट कर ले। यदि आपको लोकेशन नहीं समझ में आ पा रही है तो आपको चुपचाप से किसी तरीके से एम्स हॉस्पिटल के गेट पे पहुंच जाना है, आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हमारा बंदा आपको रिसीव करने
लेने के लिए ज़रूर से पहुँचेगा। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे भाई आप आकर अपने मनपसंद कार को आप परचेस कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्टॉक यार्ड है भाई यही बस रॉयल कार बाजार है। अगर आपको कोई और भी कहता है कि ये भी रॉयल कार बाजार है तो आप वहाँ मत पहुँच जाइएगा, क्योंकि भाई ये बस एकमात्र रॉयल कार बाजार का स्टॉक यार्ड आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वही है। बहुत बार भाई आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। आपने एक बार इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि भैया जाना था रॉयल कार बाजार, एक जगह पे मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा था यही रॉयल कार बाजार है। तो ऐसी परेशानी ना हो इसीलिए मैं आपको पूरा व्यू दे रहा हूं। बाकी थोड़ा सा डाउट ना रहे इसीलिए मैं भैया से भी कंफर्म कर लेता हूं। भैया थोड़ा सा हमें बताइएगा रॉयल कार बाजार एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा एक दिक्कत आया था मुझे, मैसेज आया था क्योंकि गलत जगह जाएंगे, फंस जाएंगे, बार बार पछताएंगे, रॉयल कार बाजार में नहीं आ पाएंगे। सही बात, याद रखिये सिर्फ और सिर्फ रॉयल कार बाजार आपको आना है। मेरा चेहरा आप पहचानते हो, रॉयल कार बाजार आप पहचानते हो, क्योंकि बहुत सारी डीलरशिप होती है जो गंदे स्टॉक बेचते हैं या जिनका नहीं चलता है, वो फेक नाम से अपनी प्रायोरिटी आगे रखना चाहते हैं। तो आपको सिर्फ रॉयल कार बाजार में आना है। यदि आपको कोई गाड़ी पसंद है, आप चाहते हैं उसे ऑनलाइन बुक करना, तो उसको भी आप सिर्फ रॉयल कार बाजार के रजिस्टर्ड नंबर पे ही बुकिंग करवाएं। हाँ जी, जो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया है, तो उम्मीद है कि आपके ये वाले भी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि भाई मैंने पर्सनली सोचा कि ये होना ज्यादा जरूरी है, आप लोगों को पता लगना जरूरी है। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देकर, 7 लाख सब्सक्राइबर भी पूरा आपने कराया है, फेसबुक पे भी जल्दी हमारी 6 लाख फैमिली होने वाली है। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी स्टॉक इनके स्टॉक से मैं आपको दिखाने वाला हूं। थैंक यू सो मच।